अब एक ऐसी फिल्म देखिए जिसमें आपकी जिंदगी दिखाई जाती है, आपके समाज की बात की जाती है, आपका समाज कैसे जीता है, कैसे रहता है, उसकी बात हमने जैसे के वैसे लिखी है। तो एक ऐसी भी फिल्म देखिए, आपको मजा आएगा। ये मेरे लिए भी इंस्पायरिंग है और मैं कहूँगा कि ये चीज़ जो संता ने संतोष होकर जो फिल्म में की है, ये शायद रुद्राज कभी नहीं कर पाएगा और उसके लिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी इंस्पायर्ड हुआ हूँ, तो आप लोग भी होंगे जरूर। होंगे जैसे जिसे ये समझ में आता है कि उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं है, ये जिसे खुद समझ में आता है, उसे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जिसे खुद समझ में आता है कि मेरा गलत कामों के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, है तो शायद उनको भटकाने वालों की कोशिश हमसे ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा लोग सही राह पर लाने वालों की कोशिशें बढ़ेगी तो वो सही राह पर। ऐसा नहीं कि जो एक स्टीरियोटिपिकल काम करने के बाद जो अवार्ड मिलता था, जो मुझे करना था किरदार वो करने के बाद मुझे फिल्म फेयर मिला, उसकी तो और बहुत बड़ी। शिवाजी महाराज पहले राजा थे जिन्होंने जमीन नापने की वजह से ही किसानों को वो फायदा दे पाए, उसके पहले ये काम पूरे भारत में कोई राजा नहीं कर पाया। ये हम क्यों नहीं बताते, हम बताते हैं कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र खड़ा करने के लिए कहीं नहीं लिखा है। तो ये आप वो बताया कि राजा ने प्रजा के लिए क्या किया, मुझे लगता है ये ज़्यादा मस्त है। हाँ, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो वही दिखाएगा जो उसने दिखाया। हमें अपनी बात दिखानी है तो हमें वो काम करने होंगे, हमें अपने नाटक, अपनी कहानियाँ, अपने फिल्मों के जरिए वो बात बताएंगे। अगर हम फिल्म बनाते हैं और हिंदी अगर उनके जैसा ही नाच गाना दिखाते हैं, आपको फिलोसॉफिकल लगेगा पर ये सच में मुझे लगता है कि ये फिल्म नहीं, ये विचार है और ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए था, और अगर वो मेरे जरिए जा रहा है तो इससे अच्छी फिल्म मेरे लिए नहीं होती, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज हम बात करेंगे जयंती मूवी की। जी हाँ, जयंती मूवी जो कि एक महाराष्ट्रीय वर्जन में आई थी, अब उसका हिंदी जो है वर्जन भी आ चुका है। जयंती मूवी ऐसी मूवी है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई, क्योंकि हॉलीवुड्स में इतनी जो मूवीज़ आती रहती हैं बॉलीवुड में, और हॉलीवुड्स की जो मूवीज़ आती हैं उनकी चर्चाएँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनमें सुपरस्टार्स होते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ, जयंती मूवी में जिस तरीके से किरदार लिए गए हैं और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कास्ट को लेकर, यानी कि हिंदू मुस्लिम को लेकर, और ख़ासकर एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम्स एक साथ आए हैं। जी हाँ, और उसी पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं शैलेंद्र नरवाणे जी जो कि डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ हैं ऋतुराज वानखेड़े जी जो कि इस मूवी के एक्टर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैलेंद्र जी से। तो सर, क्या सोच के आपने ये मूवी बनाई, क्योंकि कास्ट को लेकर के ऐसी मूवीज़ जो हैं कोई लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, और देखते हैं तो वही मसाला चाहिए रहता है लोगों को मूवीज़ में, वही सब कुछ होता है, एक्टर होते हैं, लव बर्ड्स, ये सब दिखाया जाता है। तो क्या सोच के आपने ये सब मूवीज़ पे जो है फोकस किया? नहीं, इस सब्जेक्ट पे या इस विषय पे लोग फिल्में नहीं देखते ऐसा नहीं है, इस विषय पे फिल्में बनाई कम जाती है, तो लोगों को ऑप्शन ही कम है, तो फिर लोगों को दूसरे ऑप्शन जो रहते हैं, जो मिलता है वो देखते हैं लोग। लेकिन लोग देखना चाहते हैं इन चीज़ों में, जहाँ पे उनकी बात हो रही है, लोगों की खुद की बात हो रही है, उनके जीवन की बात हो रही है, उनका जीवन जीने का जो तरीका है उसकी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों से ऐसी फिल्में बन रही है। हिंदी में इसकी संख्या नहीं के बराबर है, लेकिन साउथ में बन रही है, मराठी में बन रही है, और ये एक प्रयास हमने जयंती के माध्यम से किया है। इसमें लोगों की बात हुई है, जैसे आपने कहा बहुजन समाज की बात हुई है, और मराठी में हम इसे थिएटर में रिलीज़ किया था, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा, और तब से हमें भारत के अलग अलग राज्यों से ये डिमांड आ रही थी कि आप इसे हिंदी में लेकर आइए। तो हमने फाइनली अभी इसे हिंदी में डब किया है, और अमेज़ॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म पर ये 12 जुलाई से रिलीज़ हुई है OTT पर। सर, तो क्या सोचकर मतलब इस मूवी का नाम जयंती रखा गया? जयंती लोगों से बहुत परिचित शब्द है, बहुजन समाज अपने अलग अलग महामानवों की जयंती साल भर में मनाता है, संतों की जयंती मनाते हैं हम लोग, महामानवों की मनाते हैं,
शिवाजी महाराज है, ज्योतिबा फुले है, सावित्री माई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, इन सब की जयंतियाँ मनाते हैं, संत रैदास है। तो मुझे लगा कि ये शब्द लोगों का बहुत परिचित शब्द है, लोग इससे बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे और फिल्म की जो कहानी है वो उस शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो बहुत एकदम सूटेबल शब्द था उस फिल्म के टाइटल के लिए। और हुआ भी वैसे ही, लोगों ने उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया उस वर्ड को। अभी हमारे साथ ऋतुराज भी हैं, तो ऋतुराज जी आपने क्या सोच के इस मूवी में जो है सबसे पहली मूवी आपकी रही है और काफ़ी लोगों ने पसंद किया आपके रोल को भी और इस मूवी को भी, तो क्या सोच के आपने मतलब ये मूवी की? मुझे लगता है कि ये आपको फिलोसॉफिकल लगेगा पर ये सच में मुझे लगता है कि ये फिल्म नहीं, ये विचार है और ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए था, और अगर वो मेरे ज़रिए जा रहा है तो इससे अच्छी फिल्म मेरे लिए नहीं होती, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। और फिल्म जब रिलीज़ हुई, जब मराठी में रिलीज़ हुई, तो वो दिखा कि लोगों की जो रिएक्शंस थी, 11 वीक तक हमारी फिल्म थिएटर में चली है, 50th डे हमने सेलिब्रेट किया है, उसके बाद भी हम 8 महीने बाद अब OTT पे जब आए, तो मैंने पोस्ट करने के पहले ही लोग मुझे बता रहे थे कि आपकी मूवी आई है, आपकी मूवी आई है, तो वो एक जो कनेक्ट कर पाए ना हम लोगों से, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मसाला फिल्म जो आपने पूछा था वो लोगों को देखना है पर ये फिल्म भी देखनी है, और वो लोग 8 महीने से रुके हैं उस चीज़ के लिए और रुके थे और आज खुश है, तो मुझे लगता है मेरा डिसीजन सबसे बेस्ट था। मगर सर जिस तरीके से बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, इतनी मूवीज़ आई लक्ष्मीबाई, इस तरीके की मूवीज़ कैरेक्टर्स को लेकर बनाई जाती हैं, बनाई भी गई हैं, लेकिन उनकी जो है जैसे द कश्मीर फाइल की ही बात कर लीजिए, उसके लिए इतने लोग उमड़ रहे थे, इतनी उसकी जो है उसको सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, और जो है जितने भी रिपोर्टर्स एंकर्स उनके पीछे भाग रहे थे इंटरव्यूज़ के लिए, मगर यहाँ पर बड़े बड़े जो हैं रिपोर्टर्स नहीं दिख रहे हैं, बड़े बड़े एंकर्स नहीं दिख रहे हैं, तो इस सब से क्या कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, जिनको ये लगता है कि ये विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए वो लोग हैं और हम खुश हैं उसके लिए। रही बात आपने जिस फिल्म के नाम लिया था उस बारे में, अब क्या ही बोले हम कि जो शायद आप जब फिल्म देखेंगे तो फिल्म में भी संत्या का जो किरदार है उसको जिस हिसाब से कंट्रोल किया जा रहा था, जिस पावर से कंट्रोल किया जा रहा था, वही सब चीज़ें हैं। अगर वो पावरफुल लोग कुछ बात करते हैं तो वो उनका इन्फ्लुएंसिंग पावर यूज़ करके वो 10 लोगों तक जाती है बात, तो वही है। पर उसका सॉल्यूशन है हमारी फिल्म में है, इंटरवल के बाद जो होता है, तो इसलिए हम भी हमारे तरफ से हम ओन, जैसे आप आए और 10 लोग आएंगे और ऐसी ही बात जाएगी आगे। अच्छा सर आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से ये मूवी में छत्रपति शिवाजी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर ये दिखाया गया है और उनकी जयंती के हिसाब से ये बनाया भी गया है, लेकिन जो हिंदुत्व वाले लोग हैं वो लगातार छत्रपति शिवाजी को हिंदुत्व में ही दिखाते भी आए हैं, एक समय पे उनका इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों से, बहुजन समाज से ये बात छुपाई जा रही है कहीं ना कहीं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उन्होंने सिर्फ शिवाजी महाराज को अपनाने की कोशिश नहीं की है, अब वो तो अब बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम किसी को रोक नहीं सकते, और ये अच्छी बात है कि हमारे महामानव अगर हर कोई अगर उन्हें अपना रहा है तो ये अच्छी बात है। फ़र्क ये है कि आप उनके बारे में क्या बता रहे हैं लोगों को, तो मुझे लगता है कि हम जो गलत फहमियाँ या जो गलत कहानियाँ इन लोगों के बारे में फैलाई गई थी, हम समाज को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच तो ये है। शिवाजी महाराज का समय अगर आप पढ़ेंगे या उनके किए हुए कार्य अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके शासन में उन्होंने हर जाति के लोगों को अपने साथ रखा था, हर किसी के वेलफेयर की बात कही थी। शिवाजी महाराज पहले राजा थे जिन्होंने जमीन नापी थी, जमीन नापने की वजह से ही किसानों को वो फ़ायदा दे पाए, उसके पहले ये काम पूरे भारत में कोई राजा नहीं कर पाया था। ये हम क्यों नहीं बताते, क्यों हम बताते हैं कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र खड़ा करने के लिए, कहीं नहीं लिखा है
ठीक है, तो ये आप वो बताएं, एक राजा ने प्रजा के लिए क्या किया था, मुझे लगता है ये ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा सर, इसको इतनी रेटिंग्स के बाद भी जो है, इतनी रेटिंग्स मिली, 8.3 रेटिंग्स हुई, उसके बाद भी जो है लोगों के नॉलेज में नहीं आने दिया गया या फिर छुपा दिया गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोगों के नॉलेज में नहीं है। मैं अभी जब OTT पर फिल्म अमेज़ॉन पर आ रही थी तो उसके एक महीने पहले से मैं अलग अलग राज्यों में बात कर रहा हूँ। मैं जब 10 लोगों से बात करता हूँ, फिल्म कर्नाटका हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, तो वो 5 में से 6 लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको जयंती के बारे में पता है। ये बात और है कि हर किसी को देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए हमने अभी उसे अमेज़ॉन पर लाया है ताकि हर कोई अपने घर में बैठ के उसे देख सके। लेकिन जयंती के बारे में पता सभी को है, बहुत लोगों ने देख इसलिए नहीं पाए क्योंकि फिल्म रिलीज़ जो हुई थी वो सिर्फ महाराष्ट्र में हुई थी। लेकिन अब दुनिया के कोने में कोई भी अपने लैपटॉप पे और अपने फ़ोन पे फिल्म को देख सकता है। जिस तरीके से ये महान कैरेक्टर हैं, छत्रपति शिवाजी हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, हिंदुत्व की तो बात सब लोग करते हैं लेकिन दलित समाज और पिछड़े समाज की अगर हम बात करें तो वो आज भी ज्यों का त्यों ही है। उस पर तो ये लोग नहीं बनाते हैं और ना ही दिखाते हैं, उसके पीछे का सत्य भी नहीं दिखाते, लेकिन आपने ये सब चीज़ें की हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, हम उनसे ये अपेक्षा करना भी सही नहीं है कि उन्होंने दिखानी चाहिए। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो वही दिखाएगा जो उसे दिखाना है। हमें अपनी बात दिखानी है तो हमें वो काम करने होंगे, हमें अपने नाटक, अपनी कहानियाँ, अपने फिल्मों के ज़रिए वो बात बतानी होगी। अगर हम फिल्म बनाते हैं और हम भी अगर उनके जैसा ही नाच गाना दिखाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत लोग ये काम अभी पारंजित कर रहे हैं, नागराज मंजूड़े कर रहे हैं, नीरज घेवान कर रहे हैं, तो एक कोशिश हमने भी की है कि जब हमें मौका मिल रहा है कुछ करने का तो हम वो काम करें जिससे लोगों की आँखें खुले, लोगों को सच पता चले और लोग एक बेहतर ज़िंदगी का उनका जो हक है वो हासिल करने के लिए कुछ खुद कुछ करें। अभी ऋतुराज जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से इसमें SC ST OBC और मुस्लिम्स को लेकर बनाई गई है, तो आप अधिकतर फिल्में देखेंगे कि मुस्लिम्स को फिल्में ही क्या, अभी आप न्यूज़ चैनल खोल लीजिए तो आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही मिलेगा, लेकिन इसमें एकता की जो एक मिसाल कायम की है हमेशा से, जो मुस्लिम्स का एक कैरेक्टर दिखाया गया है एक आतंकवादी के तौर पर दिखाया गया, लेकिन इसमें इस एकता को दिखाया गया है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? इसमें जो दिखाया गया है शायद समाज ऐसा ही है, और मैं बचपन से जो भी देख रहा हूँ, मेरे दोस्त या फिर मैं जिस एरिया में रहता था उसके नेबर एरिया या फिर नागपुर में या फिर मुंबई में, मुझे कभी वो फील नहीं होता। मैं अगर आपको डायरेक्टली बात करूँ, जो चीज़ दिखाई जा रही है सिर्फ, जो कि न्यूज़ चैनलों में या फिर कहीं पे भी आपने जहाँ जहाँ जिक्र किया उसका, वो चीज़ सिर्फ दिखती है या सुनाई देती है, मुझे फील नहीं हुई वो जो मैं आपने जो बोला। तो अगर यही चीज़, यही समाज का अगर पर्दा है और वो अगर हम इस फिल्म के ज़रिए लोगों तक पहुँचा रहे हैं तो वो तो मुझे लगता है कि जो है वही दिखा रहे हैं और वो ज़रूरी है। समाज का एकत्रीकरण करना या फिर एक एकजुट समाज, यही तो चाहिए मुझे लगता है, और यही एक क्या बोलते हैं उसे, कि इसी से तो आगे बढ़ेंगे ना, किसी को तोड़ के या फिर किसी को जोड़ के। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक है कि सब इंसान है, वो तो उनकी प्रैक्टिसेस है कि जो उनको, जो धर्म उनको यानी उनकी जो भी प्रैक्टिस करना है वो करेंगे, पर इंसान है, दो हाथ है, दो कान है, दो पैर है, तो मुझे कभी ऐसा अलग महसूस नहीं होता। और मैं तो आपको पूछना चाहूँगा कि आपको कभी ऐसा अलग महसूस हुआ है कि एक नाम सुनकर या रेहान या ऋतुराज सुनकर आपको नहीं लगेगा मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ या फिर आप जैसे मुझे बात करें, वही है, वही चीज़ है, हम देख के या फिर सुन के तो नहीं बिहेव कर सकते हैं, तो वही चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की है और वो दिखानी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपने ये पहली मूवी की और उसमें ही आपने धमाल मचा दिया, तो उससे कितनी क्या कुछ खुशी है आपके अंदर? बहुत ज़्यादा खुशी है, और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने हमारी फिल्म को, जो कंटेंट है वो लोगों का कंटेंट था, और पहले भी मैंने बोला लोगों को देखनी है ऐसी फिल्में, देखनी है, और इसीलिए
हम बहुत बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, पर फिर भी लोगों ने हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया है। यानी महाराष्ट्र में बोलिए, जब थिएटर में था तो लोग ही 25-25 30-30 लोगों को लेकर सारा शो बुक करवा रहे थे। हम भी देख रहे थे कि 3 का शो देखने के लिए आए हैं तो 6 को रुक कर फिर देख रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो देखना है वो लोग देखेंगे, और बस शैलेश जी ने जिस हिसाब से लिखा है और डायरेक्ट किया है तो लोगों को वो पसंद आया है, और वही एक रीज़न है कि 8 महीने बाद भी आज आप लोग आए हैं, हम दिल्ली तक पहुँचे हैं और सब तरफ पहुँचेंगे, और लोग खुश है। ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं, तो आपने देखना है कि 1-1.5 महीने के बाद फिल्म का एक ये डाउन हो जाता है। 8 महीने बाद हम आए हैं और वही एक उत्साह हम देख रहे हैं, सपने एक्साइटमेंट है तो, और बहुत अच्छा लगा। और जब आपका काम फिल्म फेयर जैसे अवार्ड्स और जब अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि जो काम हमें करना था उस काम की वजह से अवार्ड मिला, वो बहुत अच्छी खुशी है। ऐसा नहीं कि जो एक स्टीरियोटिपिकल काम करने के बाद जो अवार्ड मिलता था, जो मुझे करना था किरदार वो करने के बाद मुझे फिल्म फेयर मिला, उसकी तो और बहुत बड़ी खुशी है, बहुत ज़्यादा। चलिए तो सर एक बात और पूछना था आपसे कि जिस तरीके से मतलब आपने ये मूवी की और अब जो है लोकप्रिय भी हो रही है, इतने लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं लगातार, जिस तरीके से अब चर्चा में भी बनी हुई है, यहाँ तक कि मैं अभी आपको बता दूं मैंने भी इसके बारे में पढ़ा और रवीश कुमार जी ने भी लिखा उसके बारे में, तभी जो है मुझे भी एक्साइटमेंट हुआ कि इसको करना चाहिए और जाके हमें पूछना चाहिए, हमारे समाज की ही बात है। लेकिन क्या अब जो है बहुजन समाज वाकई में जाग रहा है क्या? ये हर किसी को ये सवाल तो खुद से करना चाहिए। मुझे लगता है जागना मतलब हम क्या अपेक्षा करते हैं उससे कि कोई जागा हुआ है। तो मुझे लगता है एक हमारी फिल्म से जो मैसेज हमने दिया है कि जागा हुआ वो है जिसे ये समझ में आता है कि उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये जिसे खुद समझ में आता है, दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये जिसे खुद समझ में आता है कि मेरा कोई गलत कामों के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो इंसान जागा हुआ है। महात्मा फुले जी इन चीज़ों के लिए एक शब्द यूज़ करते थे, गुलामगिरी, कि जो जो सोया है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है, जो दूसरों के इशारे पर नाच रहा है, वो गुलाम है। मुझे लगता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझते हैं या कि हमारा हम गलत काम नहीं करेंगे, समाज को तोड़ने का काम नहीं करेंगे, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आज सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर सही में जाग रहे हैं लोग। और ये फिल्म बनाने से भी वो उसी दिशा में एक कोशिश हमने की है। कोशिश आप जैसे लोग कर रहे हैं तभी लोग जागृत भी हो रहे हैं, लेकिन जो आधा तबका है पिछड़े समाज का वो कहीं ना कहीं भटक गया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? नहीं, भटक गए हैं तो शायद उनको भटकाने वालों की कोशिशें हमसे ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा लोग भटक गए हैं। उन्हें सही राह पर लाने वालों की कोशिशें बढ़ेगी तो वो सही राह पर भी आ जाएंगे। सर आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस मूवी के लिए? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप सब तरीके की फिल्में देखते हैं, उनका मज़ा लेते हैं, अब एक ऐसी फिल्म देखिए जिसमें आपकी ज़िंदगी दिखाई जाती है, आपके समाज की बात की जाती है, आपका समाज कैसे जीता है, कैसे रहता है, उसकी बात हमने जैसे के वैसे रखी है। तो एक ऐसी भी फिल्म देखिए, आपको मज़ा आएगा। शुक्रिया सर। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ हमारे दर्शकों को, क्योंकि पहली फिल्म थी आपकी और एकदम हिट गई है और अब जो है लोग देखने पहुँचे, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सारे युवाओं ने ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और जिस जो किरदार मैं कर रहा हूँ, संत्या से लेके संतोष जो हुआ है वो 7 साल में, ये जो जर्नी है आप सभी ने देखनी चाहिए, ये मेरे लिए भी इंस्पायरिंग है। और मैं कहूँगा कि ये चीज़ जो संत्या ने संतोष होकर जो फिल्म में की है, ये शायद ऋतुराज कभी नहीं कर पाएगा और उसके लिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी इंस्पायर्ड हुआ हूँ तो आप लोग भी होंगे, ज़रूर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी हमने बात की कि जयंती मूवी की, तो जयंती मूवी में जिस तरीके से एक एकता का सौहार्द दिखाया गया है SC ST OBC और मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से दिखाया जाता है, आप इस मूवी को देखिए और जानिए क्या कुछ
छत्रपति शिवाजी और अंबेडकर साहब ने किया था उस समाज के लिए जो हाशिए पे खड़ा हुआ है, उस समाज के लिए उन्होंने क्या कुछ काम किए थे। लेकिन जो हिंदुत्ववादी वाले लोग हैं वो लगातार हिंदुत्व तो कहते हैं लेकिन उनके कहीं ना कहीं काम को उन्होंने गवा दिया है और छुपा दिया है। वही हकीकत इस मूवी में दिखाई गई है। ऋतुराज जी ने जिस तरीके से उसमें अपनी छवि को छोड़ा है, आप उसे ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में जाइए और देखिए, क्योंकि इसका जो हिंदी वर्जन भी आ चुका है, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग जाकर देखिए, आपको मज़ा आएगा। इसी तरीके से देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा।